उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विस्फोट में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर और घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि घटना सुबह 9:15 बजे सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है, कच्ची सड़क की है, जहां कबाड़ की दुकान में स्क्रैप काटते समय अचानक विस्फोट हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसमें दुकानदार सहित 3 लोगों के चीठड़े उड़ गए, जिसमें से 2 लोगों की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई और 2 लोगों की मौत उपचार के दौरान हो गई। पुलिस के आला अधिकारी और डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी। हालांकि अभी तक विस्फोट के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं एसएसपी अनंत देव तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि सिविल लाइन थाना के कच्ची सड़क का मामला है, जहां निसार नाम का कबाड़ी किसी चीज से छेड़छाड़ कर रहा था, उसी दौरान यह धमाका हुआ। अब तक की जानकारी के अनुसार विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ये थाना सिविल लाइंस का कच्ची सड़क का एरिया है। यहाँ पर करीब 9:40 के आसपास आज सुबह यहाँ ये जो एक निसार नाम का कबाड़ी था, उसकी दुकान ये जो किराए पर ले रखी थी, यहाँ पर एक ब्लास्ट टाइप की घटना हुई है, जिसमें कि अभी तक की जानकारी के अनुसार 4 मर गए हैं और 3 घायल हैं। और ये कुछ ऐसा प्राथमिक जानकारी जो हुई है अब तक, ये मालूम पड़ा है कि वो कुछ हथौड़ी और पेचकस से कुछ किसी चीज़ को कुछ कुछ कर रहा था, शायद उसमें कुछ छेड़छाड़ हुई है, उसके कारण से ब्लास्ट हुआ है। अभी BDS की टीम्स और एंटी एक्सप्लोसिव टीम मेरठ से मंगवाई गई है आर्मी की, उसके बाद से ये चीज़ सुनिश्चित होगी कि किस तरह का ब्लास्ट है। नहीं, कुछ पासरबाई भी थे, कुछ यहाँ से जाने वाले भी थे, कुछ ये क्योंकि थोड़ा सा ये एक्सप्लोसिव जो आप देख रहे हैं, इसके स्प्लिंटर्स काफ़ी लगे हुए हैं दीवारों पर भी, तो ये आप देख सकते हैं, जिसके कारण से ये जो जो यहाँ पर आसपास खड़े थे वो भी इसमें घायल हुए हैं। मुजफ्फरनगर से फैजल उस्मानी की रिपोर्ट।